एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मन्नत और आज मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाया वो बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड कलर और पेंसिल कलर यूज किए हैं और ब्लू पेन, ब्लैक पेन और ब्लैक मार्कर यूज किया है ब्रॉड वाला। आप चाहे तो स्केच पेन यूज कर सकते हैं सिंपल। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया और इसके अंदर जो भी डिटेल्स मैंने बनाई है वो बनी, जैसे कि मैंने लाइंस बनाई और ये ब्लैक पेंसिल पतली पतली लाइंस। एंड उसके बाद मैंने ब्रॉड मार्कर से कुछ इस तरह से सर्कल्स बनाए, सेमी सर्कल। सो होप यू कैन सी। सेमी सर्कल्स बनाने के बाद मीन्स मैंने इस साइड पे, टॉप साइड पे नहीं बनाया सेमी सर्कल, सिर्फ मैंने राइट लेफ्ट और बॉटम में बनाया है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। एंड आफ्टर इट मैंने कलर किया है, कौन सा कलर, ऑयल पेस्टल। ऑयल पेस्टल में कौन सा शेड, तो ये है लाइट पिंक टाइप ऑफ कलर, बेबी पिंक, एंड ये डार्क पिंक फेस में। तो सबसे पहले मैंने सारे सर्कल्स, सेमी सर्कल्स पेंट किए एंड आफ्टर इट मैंने ये डार्क कलर से कलर किया। तो इसका मैं आपको एक टिप बता देती हूँ कि सबसे पहले आप लिखिएगा, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं और पीछे से कलर करोगे उसके बाद लिखोगे आपका मार्कर भी खराब हो सकता है या फिर वो इसके ऊपर चलेगा नहीं। तो इसे मैंने पहले लिखा, उसके ऊपर लाइट बेबी पिंक कलर किया। तो चलिए हम देखते हैं हमारा शेड्यूल। सो सबसे पहले मैंने यहाँ टाइम लिखा है जहाँ सारे शेड्यूल का टाइम है। एंड आफ्टर इट यहाँ मैंने लिखा है थिंग्स टू डू एंड अ हार्ट। तो सबसे पहले हम अपने टाइम टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो ये 8:30 to 9 वेक अप एंड थर्सडे एंड फ्राइडे हमें, मुझे वेक अप होना होता है 8:06 बिकॉज तो मेरी क्लास होती है 7:30। तो आई थिंक मैं 1.5 hours में रेडी हो जाती हूँ और 1.5 hours में जो पेंडिंग होमवर्क होता है उस क्लास का वो मैं कर लेती हूँ। सो देन 9 to 9:30 रेडी, मैं इस टाइम पे रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट ऐड करूँगी तो 1 hour लग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट 9:30 to 10, आफ्टर 10 to 11 एनीथिंग, आप स्टडी कर सकते हो यहाँ, अपनी हॉबीज कर सकते हो। तो इसलिए मैंने 1 hour अपनी हॉबीज और रिलैक्सेशन को दिया। तो देन 11 to 1 स्टडी टाइम, तो इसमें मैंने स्टडी टाइम दिया है। एंड आफ्टर इट लंच टाइम 2 hours का मैंने ब्रेक दिया है, 2-1 hours, जैसे कि आप देख सकते हैं, लंच, टीवी, एनीथिंग। तो इसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे तो रीडिंग कर सकती हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और लंच तो हो जाएगा हमारा आई थिंक 1.5 hours में हो जाएगा अगर आप स्लो ईटर हो तो। देन आफ्टर इट मैंने ये 3:30 to 5 रखा है स्टडी और वीडियो टाइम। तो जैसे अगर मैंने वीडियो पहले बना दी है तो मैं एडिट कर सकती हूँ, या फिर मैंने एडिट करके अपलोड नहीं की है तो मैं इस टाइम अपलोड करके स्टडी कर सकती हूँ। देन यहाँ 5 to 7:30 है फैमिली टाइम, टेरेस एंड प्ले। तो इसमें मैंने फैमिली टाइम रखा है, टेरेस रखा है और प्ले रखा है, क्योंकि शाम को होता है रिलैक्स टाइम और ऊपर से सनसेट हो रहा होता है तो बहुत मज़ा आता है टेरेस में, ठंडी हवा आजकल चल रही है। तो देन नीचे आने के बाद 7:30 to 8:30 हम पूजा करते हैं। तो मैं पूजा करती हूँ, ऑफकोर्स मैं ध्यान करती हूँ, सुबह कर लेते हैं मम्मा पापा, तो इसलिए वो शाम को कभी कभी स्किप कर लेते हैं। देन 8:30 to 9:30 1 hour का मैंने फिर से एक स्टडी स्लॉक रखा है, आप जब मर्जी चाहिए कर सकते हैं। अगर आपका डिनर जल्दी होता है तो आप उस समय डिनर कर सकते हैं 8:30 to 9, और 9:30 to 10:30 आप स्टडी टाइम रख सकते हैं। तो आप स्किप भी कर सकते हैं एक चीज़, या फिर आगे पीछे भी कर सकते हैं। एंड 9:30 to 10:30 मैंने डिनर जैसे कि बताया। देन 10:30 to 11 फिर से फैमिली टाइम, क्योंकि एक ही रूम में सोते हैं सारे तो इसलिए फैमिली टाइम ज़्यादा रहता है, और ऊपर से पापा और मम्मा का तो वर्क फ्रॉम होम रहता है, नहीं तो पापा थोड़ा लेट हो जाते हैं जैसे 8-9 o'clock तक, तो इसलिए आजकल पापा का वर्क फ्रॉम होम है तो इसलिए हम जल्दी कर लेते हैं, फैमिली टाइम ज़्यादा हो पाता है। देन 11 to 11:30 मीन्स टिल का मतलब कि इन 1.5 hours के बीच स्लीप कर सकते हैं हम स्लीप। तो देन इसके नीचे मैंने ब्लैक में क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। सो दैट यू मे फील लॉट एंड अलोन बट गॉड नोज
exactly where you are, and he has a good plan for your life. And उसके बाद be happy. तो मैंने थोड़ी सी जगह पढ़ी थी तो मैंने गूगल से एक अच्छा सा नोट सर्च कर लिया. एंड आप भी ऐसे नोट्स सर्च करके अगर आपके पास जगह है तो लिख सकते हैं. तो ये था मेरा टाइम टेबल वीडियो. अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सेंड करना अगर उनका टाइम टेबल नहीं है. तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो मेरा चैनल. सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन है, उसको क्लिक कर दो. आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेगी. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय. हैव अ लवली डे.